498A के केस में कब आपको जमानत करानी चाहिए और कब आपको चार्जशीट चैलेंज करनी चाहिए, ये बहुत ही खास मुद्दा है, बहुत ही खास बात है इसमें कि कब आपको जमानत करानी चाहिए, कब आपको चार्जशीट चैलेंज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं कि 498A के केस में अगर चार्जशीट चली गई, FIR में जो व्यक्तियों के नाम दर्ज थे उसमें से किसी का भी नाम नहीं काटा गया और जो धाराएं FIR में थी उन धाराओं में से किसी का लोप नहीं किया गया, कहने का मतलब वो धाराएं सेम जो FIR में थी वही धाराएं चार्जशीट में भी दरोगा ने लगाते हुए फाइल कर दिया चार्जशीट, तो ऐसी स्थिति में आपको चार्जशीट जरूर चैलेंज करना चाहिए, जमानत लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में नहीं करानी चाहिए। क्योंकि किसी भी कीमत पे, देखिए घर के जितने लोग हैं सबने आपको टॉर्चर नहीं किया होगा, सबने आपके साथ गलत व्यवहार नहीं किया होगा, सबने एक साथ आपके खिलाफ अपराध नहीं किया होगा। कहने का ये मतलब जो उसमें लिखाया गया कि फला फला व्यक्तियों जितना परिवार के नाम रिश्तेदारों के नाम लिखा देती है पत्नी, सबने अपराध नहीं किया होगा। अब रिश्तेदार क्या अपने यहाँ से जीजा आएगा यहाँ पे आपको टॉर्चर करने, प्रताड़ित करने, आपसे तिलक मांगने, दहेज मांगने, ये तो सरासर गलत हो गई। तो चार्जशीट में इसका लाभ आपको मिलेगा, गारंटी है मिलेगा। दूसरी बात ये कि जो धाराएं लगी हैं जैसे 377 हो गया, 313 हो गया और 376 हो गया, 354 हो गया, 307 हो गया, अगर ये सब धाराएं लगी हैं और चार्जशीट में भी यही धाराएं हैं तो भी आपको चार्जशीट चैलेंज करने की ज़रूरत है कि मेडिकल था या नहीं था, मेडिकल का अभाव था, फिर कैसे इसमें धाराओं में चार्जशीट चली गई, या जो गवाही वगैरह है, साक्ष वगैरह, जितना भी स्वतंत्र साक्षी कौन है, आई विटनेस कौन है, तमाम ये चीज़ों का फ़ायदा आपको अलग अलग केस के देखने के नज़रिया अलग अलग व्यक्तियों का होता है, अलग अलग मुकदमे के अलग अलग फैक्ट होते हैं, अलग अलग सच्चाई होती है, अलग अलग उसमें जो तथ्य हैं वो निकल के सामने आते हैं, उसके आधार पर ही आगे का मुकदमा डिसाइड होता है। दूसरी बात ये कि मुकदमा आप जान रहे हैं, आपके पास सबूत भी है, आपके पास सबूत भी है पत्नी के खिलाफ, फिर भी आप जमानत करा लेते हैं तो नहीं, आपको चार्जशीट चैलेंज करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी तो आपने ये देखा होगा कि दरोगा 313 किसी बिना किसी साक्ष्य के दरोगा ने 313 में भी चार्जशीट लगा दिया। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को भैया पावर है, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय दरोगा को बुलाएगा स्पष्टीकरण के लिए कि भाई 313 का स्पष्टीकरण दो, चार्जशीट में क्यों तुमने लगा दिया 313 जब तुम्हें कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं मिला या कोई प्रमाण इसका नहीं मिला, तो फंसेगा दरोगा भैया। दूसरी बात ये कि अगर मेडिकल है नहीं तो ये सब दुनिया भर की धाराएं कैसे लग गई, तो आपको चार्जशीट चैलेंज। एक कंडीशन और आती, कभी कभी आपने देखा होगा कि नाबालिग देवर है, नाबालिग जो है ननद है उसका भी नाम दरोगा लिख देता है चार्जशीट, इसका भी आप फायदा उठाएं क्योंकि नाबालिग का नाम उसमें नहीं होना चाहिए। नाबालिग क्या तुमसे दहेज मांगेगा, क्या तुमको टॉर्चर करेगा यार, दरोगा को उसका नाम निकाल देना चाहिए। ये गलती किया है तो भी आप चार्जशीट चैलेंज करें। अगर नॉर्मल धाराएं हैं आपके FIR में 7-8 लोग का नाम है, 4-5 लोग का काट दिया गया, केवल सास ससुर पति का नाम है, तो ऐसी स्थिति में सीधा तरीका यह है कि आप लोअर कोर्ट में सीधे बेल फाइल करें, तुरंत बेल ले लें, उसके बाद वहाँ डिस्चार्ज डाल लें। कहने का मतलब अगर नॉर्मल धाराएं हैं, कुछ धारा कटी भी है, लोगों का नाम भी कटा है, तब आपको जमानत करा लेनी चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि चार्जशीट फाइल होते समय या करते समय दरोगा ने गलती किया है तो भी आप चार्जशीट चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि तब ना करें, ऐसी स्थिति में भी चार्जशीट चैलेंज कर सकते हैं। और कोई भी 498A का केस हो और दरोगा ने गलती ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो अलग अलग केस पढ़ने के बाद पता चलता है 161 में क्या कहा गया, FIR में क्या कहा गया,
जो साक्ष्य है या स्वतंत्र साक्षी है उनके गवाहों में क्या कहा गया, ये मुकदमा पढ़ने के बाद गलती का पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई हो।